नमस्कार, बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन भक्ति सागर। मैं हूं आकाश। जी हां, नेक्स्ट नाइन भक्ति सागर की स्पेशल सीरीज में आज हम बात करने वाले हैं घर से जुड़े हुए कुछ उपायों के बारे में। ये तो आप जानते ही हैं कि हम रोजमर्रा की जिंदगी में कहीं ना कहीं खाने कमाने के लिए काफी ज्यादा मेहनत करते हैं, दिन रात अपना पैसे के लिए हम लगा देते हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हमारे जीवन में जो कहीं ना कहीं वास्तु दोष का शिकार हम हो जाते हैं, वो समस्याएं उत्पन्न होने लगती हैं और हमें परेशानी का सामना भी करना पड़ जाता है। लेकिन हमें इस बात का बिल्कुल भी ज्ञान नहीं होता है कि आखिर ये सब हमारी जिंदगी में कैसे हो रहा है। इन सब का पता लगाने के लिए हमें वास्तु शास्त्र का सहारा लेना बहुत जरूरी होता है, या फिर यूं कहें कि वास्तु शास्त्र के अनुसार कुछ उपायों को हमें अपनी जिंदगी में जरूर ढाल लेना चाहिए, जिससे हमें लाभ जरूर होगा। तो आज हम आपको बताते हैं कि आप अपने घर में तरक्की, शांति, खुशियां, वैभव, समृद्धि, पैसा सब कुछ चाहते हैं तो कुछ इन बातों पर आपको विशेष ध्यान देना होगा। हम कुछ उपाय, कुछ पॉइंट्स अपनी इस खास रिपोर्ट में आपको बताने वाले हैं। अगर आप इनको ध्यान में रखते हैं तो आपको लाभ जरूर होगा, जिंदगी आपकी हमेशा हमेशा के लिए सफल बन जाएगी। तो आइए बिना देरी किए बताते हैं कि आखिर कौन से हैं वो उपाय। आपको बता दें, सुबह उठकर सबसे पहले घर की मालकिन यानी कि कोई भी बड़ी महिला अगर एक लोटा पानी घर के मुख्य द्वार पर डालती है तो घर में लक्ष्मी देवी आने का बहुत जल्दी रास्ता खुल जाता है। ऐसा माना जाता है कि अगर आप अपने घर की मालकिन के द्वारा सुबह सुबह घर पर धुलाई कराते हैं तो इससे माँ लक्ष्मी आपके घर में दस्तक देने लगती हैं और आपको लाभ जरूर होता है। वहीं आपको बता दें, महीने में दो बार किसी भी दिन घर में उपला जलाकर लोबान व गूगल की धुनी देने से घर में ऊपरी हवा का बचाव रहता है। जी हाँ, आप ये उपाय अगर दो महीने में एक बार करते हैं और पूरे घर में इस ध्वनि को फैला देते हैं तो आपके घर की सारी नकारात्मकता दूर हो जाती है और आपको लाभ जरूर होता है। वहीं सेहत के लिए भी काफी ज्यादा कारगर उपाय होता है। आपको बता दें, घर में कर्ज व बीमारी कभी समाप्त नहीं हो रही है, कहीं ना कहीं आप बीमारी या कर्ज का शिकार हो रहे हैं तो इससे बचने के लिए आप एक कोने में लाल बल्ब जला दें। इससे आपका वक्त जो है जलता चला जाएगा और आपको लाभ जरूर होगा और जिंदगी आपकी खुशनुमा बन जाएगी। वहीं आपको बता दें, घर में पैसा रखने वाली अलमारी का मुंह उत्तर की तरफ होना चाहिए, उत्तर दिशा की तरफ इसका मुंह होगा तो आपको लाभ जरूर होगा, लक्ष्मी आपकी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। वहीं आपको बता दें, शाम को गाय का कच्चा दूध मिट्टी के किसी बर्तन में भरकर बाएं हाथ से अपने सबसे छोटे बच्चे के ऊपर से 7 बार उतारकर चौराहे पर रखाएं, उसे किसी कुत्ते को पिला दें तो उसके ऊपर, आपके ऊपर, आपके घर पर, व्यापार पर, कारोबार पर, नौकरी पर जो भी नजर या बुरी शक्ति है वो सारी उसी के साथ आपकी नष्ट हो जाएगी और आपको लाभ होने लगेगा। वहीं आपको बता दें, घर के किसी भी कार्य के लिए निकलते समय पहले विपरीत दिशा में 4 पग जाएं, इसके बाद कार्य पर चलें तो आपका कार्य जरूर होगा। जी हाँ, ये आसान से कुछ पॉइंट्स, कुछ उपायों को आप अपने जीवन में रोजाना इस्तेमाल करते हैं तो आपको लाभ जरूर होगा और आपके घर में सुख, शांति, पैसा भी काफी तेजी से दस्तक देने लगेगा, माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद भी आपकी जिंदगी में उमड़ने लगेगा। तो दर्शकों, आज के इस खास एपिसोड में बस इतना ही। हम फिर हाजिर होते हैं किसी अन्य जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए, बने रहिए नेक्स्ट नाइन भक्ति सागर के साथ। नमस्कार।